आज का वीडियो हमारा HTML ट्यूटोरियल सीरीज का है, वीडियो नंबर 14। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि ब्लॉक कोड टैग क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं ब्लॉक कोड टैग होता क्या है। ब्लॉक कोड टैग हम तब यूज करते हैं जब हम हमारे साइट का कोई सेक्शन या कोई आर्टिकल दूसरे साइट से कॉपी कर रहे हैं या फिर दूसरे साइट से डायरेक्ट उठा के यहाँ हम लगाने वाले हैं, तब ताकि हमारे ब्राउजर को, जो हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है, उसको पता चले कि ये सेक्शन कहाँ से आया है। या तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक कोड टैग लेना पड़ेगा। हाँ, ये आ गया यहाँ पे ब्लॉक कोड टैग। और जो भी सेक्शन हम कॉपी करने वाले हैं वो इसके अंदर आना चाहिए कंप्लीटली। जो भी सेक्शन हम कॉपी करने वाले हैं वो पूरा का पूरा हमें इसके ब्लॉक कोड टैग के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल के रखी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है। तो हम पहले ये टाइटल कॉपी कर लेते हैं और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी टाइटल है तो हेडिंग लगानी पड़ेगी, तो हम H1 टैग का यूज करते हैं यहाँ पे H1। और अभी नीचे हम पैराग्राफ के अंदर पूरा आर्टिकल पेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है तो हम ये इतना इतना बस हाँ इतना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो अभी ये पूरा इधर विजिबल होगा, लेकिन अभी हमारे ब्राउजर को ये नहीं पता है कि ये कौन से साइट से हमने कॉपी किया है। हमें पता है लेकिन हमारे ब्राउजर को नहीं पता। तो इसके लिए एक साइट नाम का एट्रीब्यूट आता है ब्लॉक कोड टैग के अंदर, हम वो यूज करेंगे। तो हाँ, अभी ये साइट के अंदर हमें जिस वेबसाइट से हमने कॉपी किया है ये पूरा आर्टिकल, उसका एड्रेस हमें देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एड्रेस हमने कॉपी कर लिया और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी इससे फायदा क्या होगा, हमारा जो ब्राउजर है उसको ढूंढने में भी आसानी होगी और उसको पता भी चल जाएगा कि ये हमने जो आर्टिकल या वो सेक्शन है कोई भी, वो कौन से वेबसाइट से लिया है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हमने सीखा कि ब्लॉक कोड टैग होता क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नया सीखने।